ओम शांति। 9/5/2023 यानी 9 मई 2023 की मुरली। आज की मुरली में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे शिव बाबा निष्काम नंबर 1 ट्रस्टी है, उसे तुम अपना पुराना बैग बैगेज ट्रांसफ़र कर दो तो सतयुग में तुम्हें सब कुछ नया मिल जाएगा। आज का प्रश्न है, बाप को किन बच्चों की हर प्रकार से संभाल करनी पड़ती है? तो इसका उत्तर है, जो बच्चे निश्चय बुद्धि बन करके अपना पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं, बाप से हर कदम पर डायरेक्शन लेते हैं, ऐसे बच्चों का बाप को बहुत ख्याल रहता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे कभी भी श्रीमत में संशय नहीं आना चाहिए। अगर संशय में आया तो माया बहुत नुकसान कर देगी, फिर तुम्हें स्वर्ग के लायक बनने नहीं देगी। आज का गीत है दर पर आए हैं। ओम शांति। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों ने गीत सुना, बच्चे उनको कहा जाता है जो बाप के बनते हैं। बाप ने समझाया है, यह अंतिम मर्जीबा जन्म जीते जी बाप का बनना है। यह तो बच्चे जानते हैं, श्रीमत गाई हुई है, श्रीमत भगवान अनुवाच। उस गीता में तो श्री कृष्ण का नाम डाल दिए हैं, परंतु पहले शिव बाबा, फिर ब्रह्मा, फिर श्री कृष्ण। तो श्रीमत श्री कृष्ण की नहीं कहेंगे, वह दैवी गुणों से संपन्न हैं। किसी भी देहधारी मनुष्य को पतित पावन नहीं कहा जा सकता। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी श्रीमत पर तुम ब्राह्मण बच्चे चल रहे हो। निराकार परमात्मा सभी धर्म वालों का पिता है। श्री कृष्ण को सभी धर्म वाले अपना पिता नहीं मानेंगे। क्रिश्चियन क्राइस्ट को फादर मानते हैं, ना कि श्री कृष्ण को, क्योंकि क्रिश्चियन है क्राइस्ट की मुख वंशावली। शिव बाबा आकर के तुमको अपना बनाते हैं, कहते हैं सिर हथेली पर रख कर बाप का बने हैं, उनके डायरेक्शन पर चलने के लिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए। बच्चों को उन्हें मत देने की दरकार नहीं है। बच्चे परमपिता परमात्मा को मत दें, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि परमपिता परमात्मा को बच्चों की मत की ज़रूरत ही नहीं है, वह खुद मत देने वाला है। शिव बाबा नामी ग्रामी है, वह जो मत देंगे, जो कुछ करेंगे, राइट करेंगे, सही करेंगे। परमपिता परमात्मा जो मत देंगे, परमपिता परमात्मा जो कुछ करेंगे, वो सही ही करेंगे। इस साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे, वह राइट ही होगा, सही ही होगा, क्योंकि करण करावन हार शिव बाबा हैं। तो शिव बाबा जो कुछ करेंगे, जो कुछ कराएंगे, वो सही ही कराएंगे। शिव बाबा साकार ब्रह्मा से भी जो कुछ कराएंगे, वह राइट ही होगा, गलत नहीं होगा। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा को भी मत देते हैं कि यह करो। तुम्हारा कनेक्शन है शिव बाबा से, कोई का भी अवगुण नहीं देखना है, श्रीमत पर चलना है। शिव बाबा तो है निराकार, उनका यहाँ घर है नहीं। तुम यहाँ पराए घर में रहते हो, फिर स्वर्ग में जा कर के अपने घर में रहेंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो संगम पर थोड़े टाइम के लिए आता हूँ। तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी, सुप्रीम बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, हूबहू कल्प पहले की तरह। कल्प पहले जो डायरेक्शन दिए होंगे, वही फिर से देंगे। दिन रात गुप्त ते गुप्त बातें सुनाते रहते हैं, नया कोई समझ ना सके। कराची से लेकर के मुरली चलती आई है, पहले बाबा मुरली नहीं चलाते थे। रात 2 बजे उठ करके 10-15 पेज लिखते थे, शिव बाबा लिखवाते थे, फिर उसकी फोटो कापियाँ निकालते थे। भक्ति मार्ग के तो बड़े बड़े किताब बनाते जाते हैं, वह फिर रखते हैं। तुम कितना रखेंगे, क्योंकि जानते हैं कि यह सब विनाश होना है। चित्र आदि भी थोड़े समय के लिए हैं, फिर यह दब जाएंगे। वहाँ ना शास्त्र ना ही चित्र रहेंगे। फिर यह जो कुछ चल रहा है, कल्प बाद फिर होगा, शास्त्र आदि द्वापर से फिर शुरू होंगे। जिनके लिए बाप समझाते हैं, इनसे परम धाम का रास्ता नहीं मिलता है। ग्रंथ पहले बहुत छोटा था, दिन प्रतिदिन बड़ा बनाते जाते हैं। वास्तव में शिव बाबा की जीवन कहानी बड़ी बनानी चाहिए। तुम बच्चे बाप की जीवन कहानी जानते हो। बाप समझाते हैं कि मैं भक्ति मार्ग में क्या क्या करता हूँ। भक्ति मार्ग में भी इंश्योरेंस करता हूँ, ईश्वर अर्थ मनुष्य दान करते हैं। कहते हैं ना, इसने ईश्वर अर्थ किया है तब साहूकार घर में जन्म लिया है। भक्ति में धर्मात्मा बहुत होते हैं।
बाबा कहते हैं मैं बच्चों को दूसरे जन्म में इसका अल्पकाल के लिए फल देता आया हूँ। अच्छा हुआ बुरा फल मिलता है ना, कितना बड़ा इंश्योरेंस हुआ। जो जैसा कर्म करता है उस अनुसार उसको फल मिलता है। माया उल्टा कर्म कराती है जिससे तुम दुख पाते हो। अब मैं तुमको ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होगी। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे। परमपिता परमात्मा भक्ति मार्ग में भी भक्ति का फल देते हैं। जो ज़्यादा दान पुण्य करता है उसको अगले जन्म में फिर साहूकार बनाते हैं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं भक्ति मार्ग में भी मेहनत करता हूँ, ठीक है। इस समय माया सबसे उल्टा कर्म कराती है, इसीलिए सबको दुख मिलता है। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब मैं तुम बच्चों को ऐसे कर्म सिखलाता हूँ जो कभी दुख नहीं होगा और वहाँ माया भी नहीं होती। तो जो जितना अपने को इंश्योर करे, ठीक है। यहाँ पर समझने की बात है, जैसे जब हम कम रुपए से इंश्योरेंस कराते हैं, जैसे जब हम कम रुपए का बीमा कराते हैं, तो हमें आगे चल करके उसका फ़ायदा भी कम ही मिलता है। अगर हम ज़्यादा रुपए का बीमा कराते हैं तो हमें आगे चल करके उसका ज़्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ संगम युग पर एक तरह से हमारा इंश्योरेंस ही हो रहा है। यहाँ संगम युग पर हमारा एक प्रकार से बीमा ही हो रहा है। यहाँ संगम युग पर हम जितनी ज़्यादा कमाई करेंगे स्वर्ग में हमें उतना ज़्यादा सुख मिलेगा, ठीक है। जैसे जब हम बीमा करवाते हैं तो जब हम कम रुपए से बीमा करवाते हैं तो हमको आगे चल करके कम फ़ायदा मिलता है, और जब हम ज़्यादा रुपए से बीमा करवाते हैं तो आगे चल करके हमको ज़्यादा फायदा मिलता है। तो यहाँ संगम युग पर भी हमारा एक प्रकार से इंश्योरेंस यानी बीमा ही हो रहा है। यहाँ संगम युग पर हम जितनी ज़्यादा कमाई करेंगे स्वर्ग में हमको उतना ज़्यादा सुख मिलेगा, जितनी कम कमाई करेंगे उतना कम हमें सुख मिलेगा। शिव बाबा भी नंबर वन ट्रस्टी है। दूसरे की आसक्ति जाती है, कोई ट्रस्टी किसी का खाना खराब भी कर देते हैं। बाबा देखो कैसा ट्रस्टी है, कहते हैं यह सब कुछ बच्चों के लिए है, तुम्हारा सारा कनेक्शन शिव बाबा से है। बाप कहते हैं मैं सच्चा ट्रस्टी हूँ, मैं खुद सुख नहीं लेता हूँ, बच्चों को सारी राजधानी दे देता हूँ। यह बाबा भी कहते हैं मैंने फुल इंश्योर कर लिया है, तन मन धन सब बाबा की सर्विस में है। सिंधी में एक कहावत है कि हथ जिसका ही पहला पुरुषो पहुँचे, मतलब दाता समान हाथ है तो वह पहला नंबर पहुँच जाते हैं। दो मुट्ठी देते हैं तो महल मिलते हैं। देखो अभी मकान बना है तो कोई ने एक रुपया भेजा और कहा कि हमारी ईंट लगा दो, अरे तुमको सबसे अच्छा महल मिलेगा क्योंकि तुम गरीब हो और मैं हूँ ही गरीब निवाज। गरीब का एक रुपया और साहूकार का 10,000 रुपया, दोनों को एक ही मर्तबा मिल जाता है। साहूकार बहुत मुश्किल आते हैं, कन्याएं तो सबसे फ्री हैं। नंबर वन देखो मम्मा गई, बाबा ने सब कुछ दिया, मतलब ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ परमपिता परमात्मा को अर्पण कर दिया, लेकिन फिर भी नंबर वन पर मम्मा गईं। ऐसा क्यों? क्योंकि मम्मा कन्या थी, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। कितना वंडरफुल खेल है, कभी भी किसी बात में संशय नहीं होना चाहिए, जरा भी संशय नहीं लाना चाहिए। बहुत मीठा बनना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, नहीं तो माया बहुत नुकसान करा देती है। कितने बच्चों को डायरेक्शन देने पड़ते हैं, बाबा कहते हैं पूरा समाचार लिखो, बाबा हर प्रकार की संभाल करेंगे। बाबा को बहुत ख्याल रहता है कि कहाँ यह बच्चा चढ़ जाए, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए। तुम मोस्ट बिलीव्ड गॉड फादरली स्टूडेंट हो, भगवान अनुवाच भी गाया हुआ है परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंच है, फर्स्ट नंबर श्री कृष्ण का नाम देते हैं। नारायण का क्यों नहीं? क्योंकि श्री कृष्ण है छोटा, श्री कृष्ण है सतो प्रधान। फिर युवा वृद्ध अवस्था होती है, बालक ब्रह्म ज्ञानी समान कहते हैं, बच्चे से पाप नहीं होता है। श्री कृष्ण का भी जन्मदिन मनाते हैं, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं, तो यह सब बाप ही समझाते हैं। गीता में भी भगवान अनुवाच लिखा हुआ है। भगवान अनुवाच का अर्थ क्या होता है? भगवान के द्वारा दिया हुआ एक ज्ञान। तो गीता में भी भगवान अनुवाच लिखा हुआ है,
लेकिन गीता का भगवान लोग श्री कृष्ण को कह दिए हैं, यही गलती कर दिए हैं। हालांकि श्री कृष्ण भी सब मनुष्यों से ऊंच है, फर्स्ट नंबर पर श्री कृष्ण का नाम देते हैं। अब फर्स्ट नंबर पर नारायण का नाम क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि श्री कृष्ण है छोटा बच्चा, श्री कृष्ण है सतो प्रधान, फिर उसके बाद युवा वृद्ध अवस्था होती है, तो श्री कृष्ण है छोटा बच्चा और छोटे बच्चे से पाप होता नहीं है, इसीलिए श्री कृष्ण सब मनुष्यों से ऊंच है। श्री कृष्ण नंबर वन पर आते हैं, नंबर वन पर नारायण नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण है छोटा बच्चा और छोटे बच्चे से कोई पाप होता नहीं है, ठीक है। आजकल श्री कृष्ण का जन्मदिन भी मनाते हैं, लेकिन श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं तो यह सब बाप ही समझाते हैं। इस समय तुम ब्राह्मण हो उत्तम, तुम हो ईश्वरीय संतान, सतयुग में ईश्वरीय संतान नहीं कहलाए जाएंगे, ईश्वर से जरूर स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह है तुम्हारा अति अमूल्य दुर्लभ जीवन, सभी का तो हो नहीं सकता, यह ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, जो कल्प पहले पढ़े थे वही अब पढ़ रहे हैं, वही पढ़ेंगे। भगवान ने जरूर भगवान भगवती रचे हैं, परंतु उन्हों को हम भगवान भगवती कह नहीं सकते, क्योंकि गॉड इज वन, उस निराकार की सारी महिमा है, साकार की थोड़े ही महिमा होती है। लक्ष्मी नारायण को निराकार ने ऐसा बनाया है। तुम भी बाप द्वारा स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, राजयोग सीख रहे हो, बरोबर गीता में राजयोग है। जब राजाई स्थापन हुई थी तो उस समय विनाश भी हुआ था, अभी है संगम, शिव बाबा आते हैं तो खेल पूरा करते हैं। फिर श्री कृष्ण का जन्म होता है, भक्ति मार्ग में बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, उन मंदिरों में पद्मों की मिल्कियत थी, अब तो सब लोप हो गए हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते पढ़ते, यात्रा करते करते, मंदिर बनाते बनाते, खर्चा करते करते, अब भारत कंगाल बन गया है। अभी तुम जैसे मास्टर नॉलेज फुल हो गए हो, बाप एक ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, शांति का सागर है, यह सब बाप की ही महिमा है। बाप कहते हैं भारत सबसे अच्छा तीर्थ स्थान है, परंतु श्री कृष्ण का नाम डालने से सारा मान खत्म कर दिया है, नहीं तो सब शिव के मंदिर में फूल चढ़ाते। सबका सदगति दाता एक है, आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोग करके नीचे आते जाते हो, सबको तमो प्रधान तो बनना ही है। अब बाप कहते हैं कि तुम बच्चों के पास जो भी संपत्ति है, जो भी बैग बैगेज हैं, सब मुझे दे दो, तो तुमको मैं सतयुग में नया बना करके दे दूंगा, मैं खुद नहीं लूंगा। मनुष्य तो अपने लिए करते हैं, फिर कहते हैं हम निष्काम करते हैं, परंतु निष्काम तो कोई कर नहीं सकता, हर चीज़ का फल जरूर मिलता है। मैं तो तुम बच्चों को अविनाशी एक ज्ञान रत्न देता हूँ, तुम्हारे लिए ही बैकुंठ लाता हूँ, बच्चों को साबरंटी का सोबीनियर यानी सौगात देता हूँ, तो वह लेने के लिए लायक बनना चाहिए। परमपिता परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का राज्य देता हूँ, तो तुम बच्चों को स्वर्ग का राज्य लेने के लायक बनना चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनना है, हथेली पर बहिष्त मिलता है, सेकंड में जीवन मुक्ति अथवा सेकंड में बादशाही, दिव्य दृष्टिदाता शिव बाबा हैं, सेकंड में बैकुंठ में ले जाते हैं। इस साकार बाबा के हाथ में बैकुंठ की चाबी नहीं है, परमपिता परमात्मा के हाथ में बैकुंठ की चाबी है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजाई देता हूँ, मैं राजाई नहीं करता हूँ, फिर तुम जब भक्ति मार्ग में जाएंगे तो तुमको दिव्य दृष्टि से बहलाऊंगा। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। बाबा कल्प 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 के संगम पर एक ही बार आते हैं, बाकी इतने अवतार आदि सब गपोड़े हैं, यह शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग में भक्त लोग कहते हैं कि भगवान 24 अवतार लिए हैं, भगवान का इतना अवतार हुआ है, उतना अवतार हुआ है, तो ये सब झूठ है, क्योंकि भगवान पूरे कल्प में एक ही बार संगम युग पर ही धरती पर आते हैं, तो भगवान का 24 अवतार कैसे हो जाएगा। भक्ति मार्ग में लोग कहते हैं कि भगवान 24 अवतार लिए हैं, भगवान इतने अवतार लिए हैं, तो यह सब झूठ है, क्योंकि भगवान पूरे कल्प में एक ही बार संगम युग पर धरती पर अवतार लेते हैं, बाकी भगवान का 24 अवतार नहीं होता है।
यह शास्त्र है ही सब भक्ति मार्ग के। वह भी बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना ही। जो कुछ होता है ड्रामा में नूद है, इसको साक्षी हो करके देखो। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा इंश्योर मैग्नेट हूँ, तुम्हारी एक भी पाई नहीं गवाता हूँ, कौड़ी से तुमको हीरे तुल्य बनाता हूँ। यह सब शिव बाबा करते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। करण करावन हार शिव बाबा हैं, निराकार और निराहंकारी शिव बाबा हैं। गॉड फादर कैसे बैठ पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं चरणों में पढ़ो। बाप ओबीडियंट सर्वेंट है। बाप कहते हैं जिनको मालिक बनाया वह पहले बहुत सुख भोगते हैं, लेकिन अब दुखी हुए हैं। सुख भी बहुत मिलता है, कोई धर्म को इतना सुख नहीं मिलता। ऐसे नहीं कह सकते कि भारतवासियों को क्यों, औरों ने क्या किया। अरे इतने ढेर मनुष्य हैं, सब तो सतयुग में नहीं आ सकते हैं, ड्रामा बना हुआ है। भारत में ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, भगवान ने आकर के सच्चा राजयोग सिखाया था। बाप कहते हैं मैं फिर से राजयोग सिखाने के लिए आया हूँ। तुमने 84 जन्म पार्ट बजाया, अब फिर से घर वापस जाते हैं। यह बहुत पुराना चोला हो गया है सर्प का मिसाल। जैसे सर्प के जब ऊपर की चमड़ी पुरानी हो जाती है तो सर्प अपने ऊपर की चमड़ी को अलग कर देता है और नई चमड़ी को धारण कर लेता है, उसी प्रकार परमपिता परमात्मा कहते हैं कि अब तुम आत्माओं का यह शरीर बहुत पुराना हो गया है, अब तुम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर पवित्र शरीर धारण करना है। सन्यासी फिर कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, ऐसी अवस्था में रहते रहते फिर शरीर छोड़ देते हैं। परंतु ब्रह्म में लीन तो कोई होता नहीं, आत्मा कभी परमात्मा में लीन होती नहीं, लेकिन उन्होंने भी कोई कोई बहुत तीखे होते हैं, शांत में बैठ करके शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्म तो बाबा नहीं है, यह उन विचारों का भ्रम है। जैसे हिंदुओं का यह भ्रम है कि हम हिंदू धर्म के हैं। अरे हिंदू धर्म कहाँ से आया, वह तो हिंदुस्तान का नाम है। सतयुग में एक ही धर्म था, अब तो देखो कितने धर्म हैं, कितनी भाषाएं हैं, वहाँ तो भाषा ही एक होती है। कहते हैं वन गवर्नमेंट हो, परंतु सभी गवर्नमेंट वन कैसे होगी। ब्रदरहुड भी नहीं समझते, सर्वव्यापी कह देते तो फादरहुड हो गया, फिर खुद फादर कहकर किसको बुलाएंगे। यह भी समझ की बात है ना। इस समय भक्ति मार्ग के लोग कहते हैं कि भगवान कण कण में है, भगवान हमारे अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है, भगवान हर जगह है। तो भक्ति मार्ग वाले परमपिता परमात्मा को कण कण में कह देते हैं, भगवान को कण कण में कह देते हैं, इसीलिए भगवान को बाप नहीं मानते हैं। ठीक है, अगर भक्ति मार्ग वाले भगवान को बाप मानने लगेंगे तो क्या बाप कण कण में होगा, नहीं होगा। तो भक्ति मार्ग वाले ये समझते हैं कि भगवान कण कण में है, इसीलिए भक्ति मार्ग वाले भगवान को अपना बाप नहीं मानते हैं। तो भक्ति मार्ग वालों को ये पहले समझना चाहिए कि भगवान कण कण में नहीं है और भगवान हमारा बाप है। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला है किसी का भी अवगुण नहीं देखना है, एक शिव बाबा से कनेक्शन रख करके उनकी जो श्रीमत मिलती है उसे राइट समझ चलते रहना है, श्रीमत में कभी संशय नहीं उठाना है। दूसरा है अपने तन मन धन को पूरा इंश्योर करना है, अपने तन मन धन को पूरी तरह परमपिता परमात्मा को समर्पण कर देना है, कदम कदम पर श्रीमत लेनी है, पढ़ाई पर भी पूरा पूरा ध्यान देना है। आज का वरदान है संस्कार मिटाने और मिलाने से एवर रेडी रहने वाले रूहानी सेवाधारी भव। जैसे स्थूल सेवा में सदा एवर रेडी रहते हो, जहाँ बुलावा होता है वहाँ पहुँच जाते हो, ऐसे मनसा से भी जो संकल्प धारण करना चाहो उसमें भी एवर रेडी रहो, जो सोचो उसी समय वह करो। रूहानी सेवाधारी बच्चे रूहानी संबंध और संपर्क निभाने में एवर रेडी, उन्हें संस्कार मिटाने व संस्कार मिलाने में टाइम नहीं लगता। जैसे बाप के संस्कार वैसे आपके भी संस्कार हों, यह संस्कार मिलाना बड़े ते बड़ी रास है। आज का स्लोगन है प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव करना और कराना ही रॉयल आत्मा की निशानी है। अगर आपको आज की मुरली अच्छी लगी तो कमेंट में ओम शांति लिखना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद, ओम शांति।